हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर्थ बेबी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। तो ये आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, और ये मैं बना रही हूँ भुजिया, घी की भुजिया बना रही हूँ मैं, सॉरी तोरी की भुजिया बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है जीरा और 2-3 ग्रीन चिल्ली है, और है ये अनियन 2, और इसे अच्छे से मैं फ्राई भुनूंगी जब तक हल्का सा ब्राउन होना है, ज़्यादा नहीं करूंगी मैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मोस्टली भुजिया ही बनाती हूँ, तो गाइस मैं मॉर्निंग का ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ खाना बनाते टाइम, बिकॉज मैं मॉर्निंग में 4:30 या 5 o'clock बनाती हूँ, तो इतनी जल्दी मैं नहीं ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। उस एक्चुअली हस्बैंड को जाना होता है, तो जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, अगर बाबू उठ जाएगा तो नहीं बना पाऊँगी। इस वजह से मैं थोड़ा सा फटाफट करती हूँ और उस टाइम नहीं बना पाती हूँ। तो मैं इवनिंग में दाल चावल बनाती हूँ, तो दाल चावल पे मोस्टली मैं भुजिया ही बनाती हूँ, चाहे आलू का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो यस, अब मैं इसे अच्छे से ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, और ये देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके ढक्कन हटा के देख रही हूँ, और बस अब इसमें मैं सॉल्ट और हल्का सा गरम मसाला डालूँगी, और मैं इसमें मिक्स करूँगी थोड़ा सा हल्दी, और अच्छे से मिला के इसे अगेन मैं ढक दूँगी। एक्चुअली क्या है कि इसमें बहुत पानी छोड़ता है, इस भुजिया को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि भुजिया में वो कॉर्नफ्लावर होता है वो मिक्स कर देते हैं हाफ स्पून वगैरह, जिससे कि पानी अच्छे से सोख ले उसी में और थोड़ा जल्दी बन जाए, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं आता है उसका। तो गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सेम ऐसे ही बनाते हैं या थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। और इस टाइम पे मैं थोड़ी सी फटाफट ही हर काम करती हूँ, बिकॉज़ बाबू, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिनके पास छोटा बेबी होगा अभी, उन लोगों के लिए कितना डिफ़िकल्ट रहता होगा। और मुझे जाना है अभी मार्केट, ये मैं अब चढ़ा रही हूँ राइस। एक्चुअली दाल बना चुकी हूँ मैं कुकर में, अब ये छोटे पतीला है उसमें राइस बनाती हूँ। और ये देखिए भुजिया में कितना पानी है, इसको सोखने में बहुत टाइम लगेगा। जब तक ये इस पानी सूखेगा तब तक मैं हो जाऊंगी फटाफट तैयार। एक्चुअली मुझे जाना है मार्केट, थोड़ा सा लाना है सामान, थोड़ा सा सामान लेना है, फ्रिज का बॉटल वगैरह, फ़ोन में टेम्पर वगैरह लगवाना है। तो यस गाइस, मैं आ चुकी हूँ मार्केट में, और ये देखिए मैं लगवा रही हूँ अपने फ़ोन का टेम्पर्ड, और ये बाबू बैठा है ई रिक्शा पे। देखिए आप लोग कितना, अब रोने लगेगा ये, तो मैं ले देती हूँ इसको गोद में। यस, और ये मेरे हस्बैंड लगवा रहे हैं टेम्पर्ड। एक्चुअली एक दो दुकान पे और गई थी तो वहाँ पे नहीं मिला था। ये है फरीदाबाद के ओल्ड मार्केट, ये मार्केट ऐसा है कि रोज, ये देखिए मेरा टेम्पर्ड लग चुका है। यस, ये लगा चुके हैं फोन में टेम्पर्ड अच्छे से। गाइस अभी एडिटिंग करते टाइम मेरा टीवी ऑन है, तो प्लीज गाइस आप लोग माइंड मत कीजिएगा। यस, फाइनली मेरा फोन का टेम्पर्ड लग गया है। मैं इसलिए लगवाती हूँ ना टेम्पर्ड, क्योंकि हाथ से स्लिप हो जाए फ़ोन तो काफ़ी सेफ्टी रहती है ना। और ये मैं देख रही थी बैक कवर, मुझे एक भी बैक कवर अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया बैक कवर एक भी। एक्चुअली फ़ोन के साथ ऑलरेडी आया है एक बैक कवर, वो बिल्कुल प्लेन है, वाइट कलर का है, उतना मज़बूत जो कहेंगे वो नहीं है वो। और ये देखिए बाबू देख रहा है हमें। एक्चुअली ये भैया के पास चेंज नहीं था तो ये चेंज लेने गए थे, मुझे दे रहे हैं चेंज ये। और बस सब चल दिए हम मार्केट की तरफ, बट ये देखिए जा रहे बहुत। ये मार्केट ऐसा है कि आप, ये मार्केट रोज़ सेम ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि संडे या सैटरडे को थोड़ा सा डिफरेंट लगता होगा, नहीं। और यहाँ से मैं ले रही हूँ चिमटी, थोड़े बहुत और सामान है वो मैंने लिया हुआ है,
और ये मार्केट हमेशा रोज इतना ही ऐसा ही लगता है। और अभी मतलब कोई फायदा नहीं हुआ मार्केट जाने का, पूरा बेकार रहा मार्केट जाना। इतना ही परेशान हो गई मैं। और यहाँ से मैं ले रही हूँ लहसुन, एक्चुअली ख़त्म हो गया था लहसुन। और ये देखिए यहाँ पे कुर्ते वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं, अच्छी अच्छी वैरायटी होती है यहाँ पे। और ये बस चल रही है, बाबू के थोड़े से कपड़े लेने थे। बट ये है कि मार्केट जाना मेरा बिल्कुल बेकार रहा। इतनी यहाँ पे ह्यूमिडिटी हो रही है, इतनी ज़्यादा, बाबू परेशान हो गया था। बस कुछ नहीं। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 2 बजे से। अभी टाइम हो रहा है 2, और मैं आई हूँ बनाने चाय। तो यस गाइस, मैं आई हूँ बनाने के लिए चाय। एक्चुअली आज है संडे, तो संडे वाले दिन पता ही होता है, हर किसी के घर में बहुत काम होता है संडे में। बहुत क्या, बहुत से बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे पास पर्सनली बहुत ज़्यादा काम होता है, बिकॉज़ मैं डेली बेसिस पे मतलब थोड़ी बहुत ही क्लीनिंग कर पाती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। डीप क्लीनिंग जो बोलते हैं वो नहीं कर पाती हूँ। आज संडे वाले दिन हस्बैंड घर पे ही होते हैं, तो यस संडे वाले दिन घर पे हस्बैंड होते हैं, तो वो बाबू को संभाल लेते हैं। देन मैं काम कर पाती हूँ। और देख सकती हैं आप, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली गर्मी मतलब हाई अलर्ट, जो मौसम विभाग ने हाई अलर्ट किया है, दिल्ली, हरियाणा और भी कुछ राज्य, मैंने कंफर्म नहीं देखा, बस अपना देख लिया कि यस हमारे यहाँ क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। जो कहते हैं ना, मौसम विभाग का जो रेड मतलब अलग अलग होता है कलर का मतलब, तो रेड का मतलब होता है उनके लैंग्वेज में कि बिल्कुल तापमान बिल्कुल लास्ट कगार पे होता है, उसका मतलब होता है रेड। तो यस और मैं कल गई थी मार्केट, शाम में गई थी मैं, वही 7 o'clock हो गया था निकलते निकलते। मतलब सोची थी कि शाम में जाऊंगी ताकि धूप कम हो और थोड़ी सी जो गर्मी है वो कम हो, क्योंकि बाबू को लेके जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता, अकेले हो तो कैसे भी इंसान चला। बट बेबी के साथ जाओ तो बहुत। और कल का तो बाजार मार्केट जाना बिल्कुल मेरा बेकार रहा। मतलब बेकार क्या, बेकार रहा। जो चीज़ मैं लेने के लिए गई थी नहीं ले पाई थी, मतलब इतनी परेशानी हो गई थी वहाँ पे। अभी बस क्या बताऊँ, इतनी मतलब, एक तो गर्मी होती है, चलो वो चीज़ ठीक है, एक तो लोग इतनी इतनी भीड़ बहुत। अभी एक्चुअली क्या है कि शादी वादी का सीजन चल रहा है, तो इस वजह से भी भीड़ होती है मार्केट में बहुत ज़्यादा। और ऊपर से इतनी सफिकेशन थी वहाँ पे, और धूल और गर्म हवा, इतनी तेज हवा चल रही थी और इतनी गर्म हवा कि मतलब समझो हमारा मार्केट जाना बिल्कुल बेकार रहा वहाँ पे। तो यस गाइस, मैंने अपना चाय बनने के लिए रख दिया है वहाँ पे, ये देखिए चाय बन रहा है और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो यस एक्चुअली अभी बाबू उठ गया था थोड़ा सा, तो बस देखने गई थी मैं, और बस चाय बन जाए जल्दी से। और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में चाय, तो यस चाय होता है, पीना है तो पीना है, इस टाइम पे आदत लगी हुई होती है अपनी अपनी, तो इस टाइम पे मैं कॉफ़ी या चाय लेती हूँ। तो अब आज वैसे भी घर पे हस्बैंड है तो चाय तो ज़रूरी है इस टाइम पे। तो यस बस मेरा चाय बन रहा है, ये देखिए, ये देखिए, बस चाय बन जाए फिर बैठ के आराम से पियेंगे। रूम में चल रही है AC, तो ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, बट इस टाइम पे मैं हूँ किचन में, और किचन एक्चुअली बिल्कुल बाहर की तरफ है। ये देख सकते हैं ये आंगन है, ये ऊपर से कितनी धूप आ रही है, ये देखिए, तो ये बिल्कुल आंगन है, आंगन के पास है किचन, तो बिल्कुल सीधा जो धूप है वो बिल्कुल मेरे किचन में ही आती है। तो बहुत ज़्यादा बस गर्मी है, बहुत 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 ज़्यादा। और ईद आ रही है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। जो लोग ईद मनाते हैं वो लोग ज़रूर बताइएगा, और एडवांस में सबको हैप्पी ईद, मुझे बहुत पसंद है।
ईद का फेस्टिवल काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जो उसमें बहुत से लोग बनाते हैं मीठी सेवैयाँ। वो एक्चुअली पहले मैं खाया करती थी, मेरी एक फ्रेंड थी तो वो लाती थी, उसके घर भी जाती थी तो वही मैं खाती थी, तो वो कुछ बातें याद आ जाती है। तो यस, मेरा चाय बन चुका है, मैं जा रही हूँ अब चाय पीने के लिए, और मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ खास नहीं रहा आज का ब्लॉग में, कुछ भी नहीं रहा, जो मैंने कल थोड़ा बहुत शूट किया था वो है, और आज का ये है। एक्चुअली कल आने के बाद इतना ख़राब हो गया, एक्चुअली मार्केट में बाबू भी परेशान हो गया था, बहुत रोने लगा था। मतलब कल का मार्केट जाना बिल्कुल बेकार रहा मेरा, कुछ ही नहीं लेके आई, कुछ भी नहीं खरीद पाई थी, बस मोबाइल पे वो मैंने आपको बताया था टेम्परेचर आना है, वो बस वो चढ़वा के और आ गई थी। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और बाय बाय, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।